चलिए दोस्तों देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन में जो पहला दे रखा है उसके अंदर अपने को देखिए इधर मान दे रखा है साइन 70 साइन 20 और यहाँ पे दे रखा है कोस 20 और कोस 70। तो देखिए इसके अंदर अपने को क्या करना है, या तो इस पूरे को मैं कोस के अंदर बदल लूँ या फिर इस पूरे को साइन के अंदर बदल लूँ, दोनों सेम साइड आ जाएगी और दोनों कट जाएगी तो अपने पास आंसर आ जाएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं अपन। जैसे मैं साइन को अगर बदलता हूँ कोस के अंदर मेरे को बदलना है तो क्या करना पड़ेगा कि 70 को मैं कैसे 70 को मैं लिख कैसे सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन 70 कब आएगा जब 90 में से मैं क्या घटाऊँ 20 घटा दूँ तब मेरे पास 70 आ जाएगा। ऐसे 20 कब आएगा जब मैं क्या करूँ साइन में 90 में से 70 को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। और जो आगे वाला है वो अपन सेम रहने देते हैं, तो यहाँ पर मैंने रख दिया कोस 20 और ये रख दिया मैंने कोस 70, ऐसे लिख दिया अपन ने। अब देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है, तो यहाँ पे मैं कोस थीटा लिख सकता हूँ इसको। तो ये कोस और थीटा की जगह क्या है मेरे पास, थीटा की जगह अपने पास दे रखा है 20, तो यहाँ पे 20 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पे थीटा की जगह कितना दिया हुआ है 70 है, तो यहाँ पे कोस 70 आ जाएगा और माइनस कोस 20 और कोस 70, ये दोनों देखिए आपस के अंदर क्या है बराबर है, आपस में बराबर है, तो इससे ये वाला अपने पास कट गया, एक प्लस का है और एक माइनस का है कट गया, तो अपने पास आंसर है वो क्या आ गया 0 अपने पास यहाँ पे आंसर हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा पार्ट। यहाँ पे अपन वापस या तो अंश के अंदर अपन बदल लेते हैं पूरे को साइन में या फिर जो अपने पास हर में दे रखा है उसको बदल लेते हैं अपन कोस में। ऐसा ही अगर इसमें अंदर अपन अंश के अंदर या तो बदल लें अपन साइन के कोट के अंदर या फिर कोट को बदल दें टेन के अंदर, और बाकी जो कोस 60 है उसकी वैल्यू तो अपन सारणी से जानते हैं क्या होती है, वो सारणी वाली वैल्यू अपने को यहाँ पे रखनी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं अपन। दो कोस 67 डिग्री दे रखा है अपने को, तो यहाँ पे देखिए अपन यहाँ पे साइन के अंदर ऊपर वाले को मैं बदलूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, दो कोस 67 की जगह मैं लिख सकता हूँ 90 में से कितना गया 23 जाता है मेरे पास, तो मेरे पास कितना बचता है 67 आता है मेरे पास, और यहाँ पे बट्टा के अंदर क्या है साइन 23 डिग्री है, फिर माइनस 10 40, चलिए 10 को बदल देते हैं अपन, तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 90 माइनस 40 का बचेगा जब मैं 90 में से 50 को घटा दूंगा, और बट्टा के अंदर क्या है कोट 50 है और माइनस का अपने पास है कोस 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोस 90 माइनस 23 इसको क्या लिखता हूँ मैं, दो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा होता है वो, तो साइन 23 डिग्री और बट्टा के अंदर अपने पास कितना है साइन 23 डिग्री है, माइनस 10 90 माइनस 50 क्या हो जाएगा कोट 50 डिग्री और बट्टा के अंदर क्या आ गया अपने पास कोट 50 डिग्री, और कोस 60 कोस 60 की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी होती है 1/2 इसकी वैल्यू होती है, इससे ये वाला कट गया साइन 23 से साइन 23 कटे तो यहाँ पे क्या बचा 2, यहाँ पे एक बार कटा ये तो एक बच गया, तो अपने पास आ गया 2 माइनस 1 और माइनस आधा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा और 1 में से फिर आधा जाएगा तो क्या बचेगा आधा ही बचेगा, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा हाफ इसका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन अगला क्वेश्चन। चौथे का पहला पार्ट है अपने पास, सेम वही काम है जो अपन अभी तक पिछले वाले क्वेश्चन में करते आए हैं, सीधा इसको बदल देते हैं अपन, तो साइन को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 55, 90 में से मैं अगर 55 घटाऊंगा तो 35 बचेगा मेरे पास, और बट्टा के अंदर है अपने पास कोस 55 डिग्री, पूरे का अपने को क्या दे रखा है स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे वापस कोस को बदलता हूँ तो अपने पास कोस 55 को क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 35, 90 में से 35 घटाऊंगा तो वापस क्या आएगा 55 आएगा, और बट्टा के अंदर दे रखा है साइन 35 और पूरे का इसका स्क्वायर हो गया अपने पास, माइनस 2 कोस 60 दिया हुआ है अपने को, 60 की वैल्यू अपन त्रिकोणमिति सारणी से लिख सकते हैं आसानी से। यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस 45, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, थीटा की जगह कितना दे रखा है 55, तो यहाँ पे बदल जाएगा ये कोस 55 डिग्री के अंदर, बट्टा के अंदर क्या आ जाएगा कोस वापस 55 डिग्री, पूरे का क्या दे रखा है अपने को स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कोस 90 माइनस 35 ये किस में बदल जाएगा साइन 35 के अंदर, तो ये हो जाएगा अपने पास साइन 35 डिग्री और बट्टा के अंदर आ गया साइन 35, पूरे का क्या दिया हुआ है अपने को स्क्वायर दिया है, और माइनस के अंदर 2 कोस 60 की वैल्यू होती है अपने पास 1/2, गुणा के अंदर है तो 1/2 से 1/2 कट गया, ये सेम है तो इससे ये वाला कट गया एक बार, इससे ये वाला कट गया एक बार, एक का मैं अगर स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 1 ही आता है, प्लस
वापस अगर मैं एक का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एक ही आएगा। माइनस यहाँ पे कितना बचा है, एक बचा है, तो माइनस एक, एक से एक कटा, बचा क्या अपने पास, एक। तो अपने पास ये एक अपने यहाँ पे आंसर हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन चौथे का दूसरा पार्ट। चौथे के दूसरे में देखिए अपने को सेम वैसा ही काम करना है। कोस क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, साइन ऊपर वाले को चेंज करते हैं, तो इसको मैं साइन 90 माइनस, देखिए 27 है, मतलब 90 में से मैं अगर 63 कटाऊँ तो मेरे पास कितना बचता है, 27, तो यहाँ पे 63 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बट्टा के अंदर आ गया कोस 63 डिग्री। पूरे का क्या दे रखा है अपने को, स्क्वायर दिया हुआ है प्लस कोस 63। कोस 63 को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 27। ठीक है, 90 माइनस 27 डिग्री लिख दिया, और बट्टा के अंदर है अपने पास साइन 27, और पूरे का आपने को क्या दे रखा है, स्क्वायर दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखता हूँ, कोस थीटा, तो ये अपने पास आ गया कोस थीटा की जगह अपने पास वैल्यू दे रखी है 63 डिग्री, बट्टा कोस 63 डिग्री। पूरे का क्या हो गया अपने पास, स्क्वायर प्लस कोस 90 माइनस 27, इसका मतलब हो गया अपने पास कोस 90 माइनस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा अपने पास क्या हो जाएगा, साइन और थीटा की जो वैल्यू है वो अपने पास है 27 डिग्री, तो ये 27 आ गया। बट्टा के अंदर साइन 27 डिग्री दिया हुआ है, पूरे का इसका भी क्या है अपने पास, स्क्वायर है। ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे, ये भी सेम है दोनों तो कट जाएंगे, क्या आएगा एक, एक का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, वापस एक ही आएगा, प्लस यहाँ पे भी कटेगा तो एक बचा अपने पास, एक का स्क्वायर किया तो क्या आया, एक आया, एक और एक दोनों को जोड़ दिया तो अपने पास क्या आ गया, तो ये इसका अपने पास आंसर हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट देखते हैं अपन। यहाँ पे देखिए अपने को दे रखा है 10 12 कोट 38 कोट 52 कोट 60 10 78 डिग्री है ना, ऐसा सब कुछ दिया हुआ है। तो इसके अंदर देखो कि 90 जोड़ने पे दो एंगल ऐसे जिनमें 90 बन जाए अपने पास, तो देखिए मैं 78 को देखता हूँ और 12 को देखता हूँ, तो इनको दोनों को जोड़ने पे क्या बनता है मेरे पास, 90 बन जाएगा। वैसे ही अगर मैं 38 और 52 को देखता हूँ तो इन दोनों को जोड़ने पे अपने पास क्या बन जाता है, 90, और इसकी वैल्यू अपने को त्रिकोणमिति सारणी में दे रखी होती है, तो इसकी टेंशन अपने को है नहीं। चलिए तो इनको अपन, अगर मैं देखिए इसको मैं अगर कोर्ट के अंदर बदल दूँ तो मेरे पास फायदा क्या होगा, या तो इसको बदल दूँ कोर्ट में या फिर इसको बदल दूँ कोर्ट में। तो देखिए एक बार मैं इनको पास पास लिख देता हूँ जो अपने पास 90 के योग वाले हैं, जैसे एक हो गया अपने पास 10 12, एक हो गया अपने पास 10 78 डिग्री का, फिर एक हो गया अपने पास कोट 38 और एक हो गया अपने पास कोट 52 और एक हो गया अपने पास कोट 60। देखिए इसका फायदा अपने को ये होगा कि जैसे मैं इसको बदलूंगा तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे इसको अपन बदलते हैं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 10 90 माइनस 78 करूंगा तब मेरे पास क्या बचेगा, 90 में से 78 घटाऊंगा तभी मेरे पास 12 बचेगा, तो 90 माइनस 78 12 को ऐसा लिख सकता हूँ मैं, 12 डिग्री को मैंने लिख दिया 90 माइनस 78, और इसको मैंने सेम रहने दिया, एक को बदल दिया और एक को मैंने सेम रहने दिया। ठीक है, दूसरा ये वाला है, इसके अंदर मैं अगर बदलूँ तो मेरे पास क्या आएगा कोट, मान लेता हूँ मैं इसको बदलता हूँ अगर, तो मेरे पास क्या आएगा 90 माइनस 52, 38 कब बचेगा, जब 90 में से 52 जाएगा तब मेरे पास 38 बच जाएगा, और कोट अपने पास कितना है 52 डिग्री है, और लास्ट में अपने पास कोट 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे अगर 10 90 माइनस थीटा को क्या किस में बदल सकता हूँ, कोट के अंदर बदल सकता हूँ मैं, तो ये क्या बन जाएगा कोट 78, ये आ गया कोट 78 डिग्री, और ये हो गया 10 78 डिग्री, और इसको अगर बदलूंगा तो ये क्या बन जाएगा 10 कितना हो गया 52 डिग्री, और यहाँ पे हो गया कोट 52 डिग्री, और ये हो गया कोट 60 डिग्री। देखिए इसका फायदा क्या हुआ, ये देखिए क्या बन गया कोट थीटा इंटू 10 थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है अपन जानते हैं कि अगर मेरे पास कोट थीटा इंटू 10 थीटा हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है अपने पास एक होती है, मतलब थीटा का मान दोनों में क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होना चाहिए, वैसे अगर यहाँ पे 78 है तो यहाँ पे भी कितना है 78 है, और दोनों क्या है आपस में गुणा के अंदर है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास एक हो जाएगी, ऐसे ही इस पूरे की वैल्यू एक हो जाएगी, इनके बीच में सबके बीच में क्या है गुणा का चिन्ह है अपने पास, तो क्या आ जाएगा इस पूरे की वैल्यू हुई एक इंटू एक, और कोट 60 की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी होती है 1/√3, तो इनको गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/√3 है, ये अपने पास आंसर हो जाएगा।
इसको एक से गुणा करेंगे वापस ये संख्या आएगी, वापस इसको गुणा करेंगे एक से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट देखते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी अपन ने पहला किया था, इसके अंदर भी वापस अपने को वैसा ही देखना है कि 90 डिग्री बनने चाहिए अपने पास। तो देखिए 5 और 85 इन दोनों को मैं अगर जोड़ूंगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, ऐसे ही 25 और 65 को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और इनकी वैल्यू अपने को त्रिकोणमिति सारणी के अंदर दी हुई होती है। चलिए मैं इनको एक बार पास पास में लिख देता हूं। तो मैंने यहां से लिखा तो क्या हो गया टेन 5 डिग्री और टेन 85 डिग्री, ठीक है। फिर ये वाले दोनों इनको पास में लिखता हूं तो ये कितना हो गया टेन 25 डिग्री और टेन 65 डिग्री। और फिर दो अपने पास 10-30 इंटू 10-30 अपने पास दिए हुए हैं, तो ये आ गया अपने पास 10-30 और 10-30, दो वैल्यू अपने को दे रखी है। इसको मैं क्या कर चेंज करता हूँ, इन दोनों के लिए चेंज कर देता हूँ मैं, और वो वाली वैल्यू वो अपन त्रिकोणमिति सारणी से रख देंगे। तो यहाँ से अगर मैं चेंज करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इसको 10 5 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 85, एक को चेंज कर दो और एक को रहने दो, तो ये हो गया 10 85। फिर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 10 25 डिग्री है तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 65 घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा 25 बच जाएगा, और एक को मैंने सेम रहने दिया 10 65 डिग्री। फिर दो बार दे रखा है 10-30 इंटू 10-30, ये वैल्यू अपने को दे रखी है। यहाँ से अगर मैं घटाऊंगा 10-90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा होता है, तो कोट थीटा, थीटा की जगह वैल्यू 85 डिग्री है तो अपने पास क्या हो जाएगा कोट 85 डिग्री, और ये हो गया अपने पास 10 85 डिग्री। फिर हो गया अपने पास 10 65, अच्छा इसको चेंज करेंगे अपन 10 65 को चेंज 10-90 माइनस 65 को चेंज करेंगे तो हो जाएगा कोट 65 डिग्री और 10 65 डिग्री। फिर 10-30 की वैल्यू अपने पास होती है 1/√3, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा, वापस गुणा का चिन्ह आएगा 1/√3, ठीक है। तो देखिए ये वाले वापस क्या हो गए अपने पास, इनकी वैल्यू एक एक हो जाएगी, क्योंकि अभी अपन ने देखा था कि कोट थीटा इंटू 10 थीटा होता है वो क्या होता है अपने पास एक होता है, तो यहाँ पे इन दोनों इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी कोट थीटा की जगह कितना 85 है, 85 है तो 10 कोट 85 और 10 85 इसकी वैल्यू भी हो गई अपने पास एक, कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा का चिन्ह इनके बीच में, वापस इसकी वैल्यू हो गई एक इंटू 1/√3 को 1/√3 से गुणा करता हूँ तो क्या आता है 1/3 आता है, एक को एक से गुणा करूंगा तो एक, रूट तीन को रूट तीन से गुणा करूंगा तो रूट हट जाएगा अपने पास 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो वापस इसको गुणा करूंगा तो अपने पास आंसर क्या आ रहा है 1/3, ये अपने पास इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला है अपने को कि यहाँ पे जो मान दे रखे हैं जैसे साइन 81 डिग्री दे रखा है, 70 डिग्री अपने को ऐसा दे रखा है, तो इसकी जो वैल्यू है ना वो अपने पास, इसको चाहे आप दूसरे त्रिकोणमिति अनुपात में बदलिए लेकिन इसकी वैल्यू वो आनी चाहिए अपने पास 0 से लेकर 45 डिग्री के बीच में आनी चाहिए अपने पास। तो देखिए मैं इसको 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 81 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 9, 90 में से 9 घटाएंगे तो 81 बचेंगे अपने, प्लस साइन यहाँ पे देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ 70 कब बचेंगे जब 90 में से मैं 20 घटा दूंगा तब मेरे पास 70 बचेंगे। तो इसको अगर मैं सरल करूँ तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, थीटा की जगह कितना है 9 डिग्री, तो यहाँ पे 9 डिग्री आ जाएगा, प्लस साइन 90 माइनस थीटा वापस है तो अपने पास क्या हो जाएगा कोस थीटा की जगह वैल्यू कितनी है 20। देखिए ये दोनों वैल्यू है वो अपने पास 0 से लेकर 45 के बीच में आ गई, बस इतना सा इस क्वेश्चन के अंदर करना है, यही अपने पास क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सिंपल सेम क्वेश्चन है वो दूसरा है अपने पास, तो दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर अगर अपने को बदलना है तो 10-68 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 10-90 माइनस 68 कब बचेगा मेरे पास, देखिए 2 हो गए तो हो गया 70, 22 डिग्री हो गया अपने पास, अगर मैं 22 डिग्री को घटाऊँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे पास 10-68 आ जाएगा, 90 में से 22 गए तो अपने पास, ऐसे ही प्लस sec और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 22, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 90 माइनस 22 है ना, तो इसमें से अगर मैं घटाऊंगा तो मेरे पास उल्टा हो जाएगा, 10 का उल्टा क्या होता है कोट, कोट में बदल जाएगा ये, तो कोट और थीटा की जगह वैल्यू है 22, sec इसमें बदलेगा cosec के अंदर तो cosec, और यहाँ पे आ गया अपने पास 22। तो देखिए दोनों जो वैल्यू है वो क्या आ गई अपने पास 0 और 45 के बीच में आ गई, तो अपन ने इनको बदल दिया 0 से 45 डिग्री के बीच में, यही अपने पास क्या हो गया इसका आंसर हो गया।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सात। क्वेश्चन नंबर सात में अपने को सिद्ध करना है कि ये वाला अपने को सरल करना है और अपने पास ये अपने पास आंसर में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसको कैसे करेंगे अपन। साइन 65 है, इसको मैं कोस के अंदर चाहिए तो साइन अपने को बदलना है, साइन बदलना है तो इसको देखिए 65 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन के अंदर, साइन 90 माइनस 25, 90 में से अगर मैं 25 घटा दूंगा तो मेरे पास 65 आ जाएगा। कोस की वैल्यू अपने को चाहिए तो कोस 25 अपने पास है वैसा का वैसा है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सरल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, थीटा की जगह कितना है 25 डिग्री है तो यहाँ पे आ जाएगा कोस 25 डिग्री, प्लस यहाँ पे भी कितना आ जाएगा कोस 25 डिग्री, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे कोस 25 और कोस 25 है ना, दोनों आपस में जुड़े तो कितने हो गए 2 cos 25 डिग्री, दोनों आपस में हो गए बराबर। तो ये बराबर है तो अपने पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, ये अपने पास सिद्ध हो गया इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर आठ। क्वेश्चन नंबर आठ के अंदर देखिए अपने को लेफ्ट हैंड साइड को सरल करना है और अपने पास आंसर है वो जीरो आना चाहिए। तो जीरो आना चाहिए तो यहाँ पे अगर मैं इसको पूरे को कोस के अंदर बदल दूंगा तो ये यहाँ पे कोस वाली वैल्यू आएगी, इधर भी कोस है तो कोस से कोस कट जाएगा तो अपने पास आंसर जीरो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे बदलता हूँ कोस के अंदर इसको अगर, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ साइन 35 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 55 अगर माइनस करता हूँ इसमें से तो मेरे पास क्या बचेगा 35 डिग्री बच जाएगा यहाँ पे। फिर अपने पास है साइन 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 35, साइन 55 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 35, और माइनस के अंदर है अपने पास कोस 35 और कोस 55। अब देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस अगर 55 करूँगा मैं तो 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, और थीटा की जगह कितना मान है अपने पास 55 है यहाँ पे, तो क्या लिख सकता हूँ मैं कोस 55 और साइन 90 माइनस 35 है तो इसको मैं कोस 35 लिख सकता हूँ, तो ये आ गया अपने पास कोस 35। उस साइड में अपने को दे रखा है कोस 35 और कोस 55। अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम है, ये कोस 55 और कोस 35, ये भी कोस 35 और कोस 55, तो दोनों आपस में सेम है, प्लस माइनस का सीन है आपस में तो ये कट जाएंगे, तो ये कटे अपने पास तो आंसर में अंदर अपने पास क्या बच गया जीरो, जो कि अपने के पास राइट हैंड साइड के अंदर दिया हुआ था। तो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर हो गई अपने पास राइट हैंड साइड की।